सर कैसी थी मूवी? मज़ा आया फिल्म में, इंटरेस्टिंग थी। बहुत ऐसी कोई गजब नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मज़ा आया फिल्म के अंदर, इंटरेस्टिंग लगी मुझे तो। कैरेक्टर्स मज़ेदार थे, बढ़िया था। हम कैरेक्टर देख चुके हैं, कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, पीछे वाले वापस रिपीट देखने को मिलते हैं, लेकिन कई सारे नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है इस सेकंड पार्ट के अंदर, सीक्वल के अंदर। पहले कैरेक्टर, पहली फिल्म के मुकाबले कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है। लूसी ल्यू आई हैं इसके अंदर, मतलब ज़बरदस्त, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक्टिंग वहाँ के मामले में देख लो या ओवरऑल देख लो, उनके पास मतलब जो उनकी जो पावर्स वगैरह बताई, वो सब कुछ जिस तरह से एग्जीक्यूट किया उनके कैरेक्टर को, उन्होंने जिस प्रकार से किया उनके कैरेक्टर को, जिस प्रकार से लिखा गया होगा, जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है, बढ़िया दी है। मज़ा आया शज़ाम के कैरेक्टर में, उनका रोल भी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके साथ वाले जो उनके पूरे गैंग एक तरह से तैयार हो जाती है, उनकी भी अगर आप एक्टिंग परफॉर्मेंस देखें तो ठीक है। उन बच्चों की एक्टिंग परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं लगी, लेकिन ठीक है। हाँ, हालांकि मैं बोलूँगा कि बुरी नहीं बोलूँगा फिल्म को, लेकिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आप कुछ एक्सपेक्ट करके जाके भाई मज़ा आ जाएगा। मार्वल की फिल्मों से तो आप फिर कंपेयर मत करिए, अगर मार्वल एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे तो वो तो मार्वल खुद भी की फिल्मों से भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो इस फिल्म से उम्मीद ना रखें। डीसी की पिछली फिल्मों से कंपैरिजन में देखें तो उस मामले में भी ठीक ठाक ही आप कहेंगे। जैसे अगर आप देखें तो एक्वामैन वगैरह ठीक देखने को मिल गई थी डीसी की फिल्मों की अगर बात करें तो, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो हालत ना फील नहीं आएगा। थोड़ा सा इस फिल्म को देखते वक्त आपको ओल्ड सुपरमैन फिल्मों की याद आ जाएगी, पुरानी वाली सुपरमैन की ले लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं मैन ऑफ स्टील, तो खैर अलग फिल्म हो गई, लेकिन मैन ऑफ स्टील से पहले वाली जो फिल्म थी सुपरमैन की, वो वाली स्टाइल की फिल्मों की आपको याद आ जाएगी थोड़ा सा। अगर आप देखें तो कई सारे से वो बिल्डिंग्स वगैरह के सीन देखने को मिल रहा है, फिर वो इधर से उड़ के जा रहा है, वो चारा मतलब डायलॉग्स वगैरह, तो थोड़ा मज़ा आता है। फिल्म बुरी नहीं बोलूँगा, मज़ा आता है, फिल्म एंटरटेनिंग रहती है, बांध के भी रखती है, मज़ा आता है। लेकिन अगर आप कोई बहुत लंबे वक्त से भी कोई ऐसी सुपर हीरो फिल्म आ भी नहीं रही, अगर आप कोई सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको इंटरेस्ट बनाए, मज़ा आए आपको, तो मुझे लगता है ये बढ़िया आपके लिए ऑप्शन होगा सुपर हीरो फिल्म के लिए, और मुझे लगता है आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 में से मैं फिल्म को 3 स्टार दूँ।